तो गाइज ये रहा इस कैफ़े का ब्रिज जो कि राजगीर जैसा है, बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे देख सकते हैं। हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साजी ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। मैंने सोचा था कि रमज़ान बाद ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, बट एक दोस्त है जो बोला कि चलो हम एक कैफ़े में पार्टी देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कैफ़े का ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हमें यहाँ के तौर तरीके जो अच्छा लगा उसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस जैसा कि इस कैफ़े में जो हमने ऑर्डर किया था वो तो आया ही है, साथ में उन लोगों की तरफ से, रेस्टोरेंट वालों की तरफ से हमें इफ्तार मिला। ये बहुत अच्छा बात है और हमें अच्छा लगा। तो चलिए इसका नाइट ब्लॉग तो फाइनल गाइज आ चुके हैं, हम देख सकते हैं वेलकम टू हॉट एंड कूल देहाती कैफे रेस्टोरेंट, और ये रहा एंट्री गेट, तो देख सकते हैं। तो गाइज इस कैफ़े का एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक राजगीर में जो ब्रिज है वैसा ही सेम इसमें एक ब्रिज बनाया गया छोटा सा, जैसे कि फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, कुछ भी घूमने के लिए इसमें दिया गया है, जो कि आगे पड़ेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहें। लोकेशन मैंने बता दिया देहाती कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का, लोकेशन है संत मोड़ जो कि गोपालगंज और हमारे मीरगंज के बीच में पड़ता है। और ये रहा कुछ काउंटर, इसे बोल सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर करते हैं सब लोग यहाँ पे। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोग को यहाँ के जो डेकोरेशन है सब। और यहाँ एक छोटा सा लोकेशन बनाया गया है सेम एज लाइक राजगीर जैसा, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अंदर, आप लोग देख सकते हैं लिखा है आई लव देहाती कैफ़े यहाँ पे, जो कि एक लुक दिया गया है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्लिक करवाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये रहे अदनान भाई, अदनान एफ। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, जो कि हम लोग ने यहाँ खाना खाया था, जो भी था यही था। और इसका लुक देखा जाए तो चारों तरफ से छोटा छोटा लाइट लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहा है। और चलिए और इसके साथ सब दिखाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा लुक दिया गया है राजगीर जैसा, सेम लाइक राजगीर जैसा एक लुक दिया गया है, वहाँ भी फ़ोटो सब क्लिक करवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं एक बार सब आप लोग को दिखा दें, देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लुक दिया गया है, आप लोग ये देख सकते हैं। और ये रहे एक जो यहाँ के वर्कर हैं, आप लोग देख सकते हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। भाई कहाँ से हो? दही भत्ता से। काम करने में अच्छा लगता है? तो आप लोग देख सकते हैं दही भत्ता के जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टाफ हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो फाइनली वो जगह दिखाते हैं राजगीर जैसा है, और साथ ही आप लोग को यहाँ सब डेकोरेशन दिखाएँगे, जो सब डेकोरेशन यहाँ बहुत हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का डेकोरेशन। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह यहाँ पे लाइट से डेकोरेट किया गया है, बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। और ये कुछ बड़ा सा यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें बहुत ही खूबसूरत सा लाइट लगाया है, इसमें और ही खूबसूरत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे दो टेबल लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, ऊपर फैन भी है जैसे गर्मी के दिनों में यूज कर सकते हैं। और इधर भी है एक शायद, तो देख सकते हैं आप लोग, भाई लोग कुछ यहाँ पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जो पर्दा लगाया गया है पर्सनल, जैसे फैमिली भी लेकर आप लोग आ सकते हैं, वैसा व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है कि इसमें फैमिली भी आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल, जो कि अभी लाइट नहीं, लाइट देख सकते हैं, छोटा छोटा बॉल है लेम्प जैसा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब बॉल, देख सकते हैं ये। तो इसी के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनली उस जगह पे ले चलते हैं जो कि थोड़ा राजगीर जैसा लुक लिख दिया गया। हाँ आई नो ब्रो।
देख सकते हैं आप लोग जो। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी कुछ टेबल लगाए गए हैं जैसे लोग यहाँ पे आके बैठ सकें। और इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिला बहुत ही ख़ास चीज़ कि इसमें लगभग 80% इसमें लकड़ी बांस का यूज किया गया है, जैसे ईंट सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, बालू सीमेंट ये सब नहीं, पूरा मतलब इसे डेकोरेट किया गया है बांस से लकड़ी से, इसीलिए शायद इसका नाम रखा गया है देहाती कैफे। और इसी के साथ हम आ चुके हैं ये ब्रिज पे, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि राजगीर जैसा एक ब्रिज छोटा सा बनाया गया है, लुक दिया गया है, यही वो ब्रिज है जो कि नाइट में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। और नीचे है वाटर, इसके नीचे वाटर है जो कि पाइप के मदद से एक मतलब एक गड्ढा खोद दिया गया और पाइप के मदद से उसमें पानी भरा जाता है, तो नीचे पूरा वाटर है, अच्छा लगता है हमें देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे दिखाते हैं, नाइट में तो नहीं दिखेगा लेकिन एक चीज़ आप लोग पता कर सकते हैं वो चांद से, चांद का प्रतिबिंब जो आ रहा है। और चलिए वो पाइप आप लोग को दिखाते हैं, वो रहा वो पाइप, उसी से पानी आता है। और देखिए इसमें भी लाइट लगाई गई है, देख सकते हैं इसमें। इस कैफ़े में बहुत ही अच्छा है, इस कैफ़े में छोटे छोटे पौधे ज़्यादातर लगाए गए हैं, नेचुरल हैं, हमें हवाएं हमें मिलती हैं। वैसे तो 5 स्टार में या कोई भी रेस्टोरेंट में हमें एसी वगैरह मिल जाती है, लेकिन बहुत ही कम कैफ़े में हमें ये पौधे नेचुरल हवाएं मिलती हैं, जैसा कि इस कैफ़े में है, देहाती कैफ़े में। गाइस आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, देख सकते हैं और ही खूबसूरत लग रहा है इससे, देख सकते हैं ये भी। तो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं घर, तब तक भाई को बोलते हैं टाटा बाय, फिर मिलेंगे कभी। सब देखा थे यहाँ पे अजला का काउंटर बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर यहीं से लिया जाता है, सारे लोग यहीं से ऑर्डर देते हैं तो सब कुछ मिलता है, यहीं से ऑर्डर लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये मेनू है जो कि इसे इसमें सब दिया गया है, आप लोग जो जो ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से, होम डिलीवरी पे आप लोग देख सकते हैं ये सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जी थैंक यू। ये रहे एफ भाई जो आप लोग देख सकते हैं, प्यार से हम इन्हें एफ बोलते हैं, जो कि एफ से बहुत ही इनका जुड़ा हुआ है, जिंदगी है एफ बोलते हैं ये। तो तब तक बाय टाटा, लव यू, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।